काम क्यों कर पाएंगे तुमसे हम, तो अभी मैं निकलने वाला हूँ अंजलि को लेने, मेरी बहन कॉलेज गई तो उसको लेने आने जाने। तो यहाँ से आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अभी दोपहर के 1:30 बज रहा है भाई, और मैं लगभग 12 बजे सो के उठाऊँ, क्योंकि कल रात इतना हैक्टिक हो गया था ना मैच, जो तुमने क्लिप देखी होगी उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक हो गया था। तो अभी मैं उठाऊँ सुबह, रात में भूख लगी तो थोड़ी मैगी वगैरह बना के खा ली थी, बट अब ठीक है यार। अभी अंजलि को लेने जाता हूँ, वैसे 2 बजे बोला था और 2:14 हो गया वैसे भी। ठीक है, अपने पास ये धन्नो खड़ी हुई है, तो धन्नो को लेके ही जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है चले वापस आ गए, ठीक है ना। आज भरवाओ भी है कैसे? चलो 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 भी नहीं आ गए। ये मैं और वरुण अभी हम निकल चुके हैं, अभी आदि भैया के साथ आदि भैया के घर जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ पे आदि भैया को मिलते हैं, वहाँ सोलर पैनल वाली डील करते हैं। और वो एक उनके पास एक्स्ट्रा माइक रखा हुआ था, तो उनने बोला यश तू आके ले जा, तो मैंने कहा ठीक है भाई अच्छी बात, एक तो मेरे को भी माइक खरीदना है और माइक आ रहा है 10 से 11 हज़ार का। मैंने कहा भाई अगर आदि भैया दे रहे हैं ना तो फिर अभी रख ले। बंद करके भी करूँगा तो इतना गंदा काम नहीं करूँगा जितना ये दिख रहा है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आँख बंद करके भी करूँगा ना तो इतना गंदा काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तुम सही बताओ, अंकल के काम पे आरोप लगा रहे हो आप। लाइट भी जल रही थी ना। निकाल लो और क्या, गाड़ी है ना इस तरह से। यस तूने कवर करा है वो अंकल को, मजा आ गया भाई। सर्विसिंग पूरी हो गई बाबा, कहना है आपका? मेरा तो कुछ कहना ये नहीं है कि आप मुझे पैसे दे दो भैया, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो उनके तौर पर जमा तो के तौर पर रख लूंगा मैं आपको। हमको हम काम भी थोड़ी आएंगे आपके। नहीं कोई काम, हम काम थोड़ी करवाएंगे आपसे। हम तो हम भाई बंदी पर रखेंगे तुमको, भाई काम क्यों करवाएंगे तुमसे हम। अगर उतने ने काटा हमको काम। देखो भैया वर्मा भैया की हम गाड़ी लेने आए थे। हो गई चेक कर ली, चेक कर ली, चेक कर ली, थोड़ा अटपटा लग रहा है उनको, पर कॉल कर देंगे आपको। काम पे कोई शक नहीं है बस, तो अब तो भाई बंदी हो गई है। ये फिल्टर फुल कर भाई सही है, देखना नहीं तो ब्लॉग के चक्कर। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को जवान समझते हुए कूदो, जरा कूदो तुम, आज देख लेता हूँ मैं। अरे यार नहीं यार, क्रासनी पे जिंदा भाई। इस राहों में मैं निकल पूछा था यस अपनी कार लेके आएगा, पर दूसरे की स्कूटी से आए। वर्मा भैया, वर्मा भैया भाई एंड टाइम पे जो काम आता है ना, होशंगाबाद पहुंचा दिया। हाँ मेरी जान, नहीं तुम्हारा बना रहा हूँ मैं, ठीक है भैया ना। मेरा फेस अच्छा आना चाहिए, गोरा दिखना चाहिए, कई अलग अलग नजरों से देखती है भाई। प्रवचन दे रहा हूँ, प्रवचन भी लेना चाहिए। आप क्या प्रवचन गया भाई, आप साधु संत बन जाते हैं। जैसा हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, और एक बुजुर्ग हमारे साथ भी है। बड़ा तो इन लोगों ने शुरू भी कर दिया यार। अच्छा तुमने नहीं शुरू करा ना, एक तो आप तरीका भी खाओ
और इतना चखाओ तो ये अलग चीज हो जाती है भाई। ये आपकी गलत फैमिली है, देव सोचा कि आप बिल पे करोगे। ये क्या वही गला है भाई। चल 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 आजा। हम सिडानी घाट पे हैं और श्री प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर के सामने में तो मैं ले चलता हूँ, वहाँ आरती हो रही है, तो मैं आरती देखते हैं। ये हमारा सिडानी घाट बुद्ध हनुमान। नीचे चले, चल नीचे मत चल। प्रणाम करके आते हैं किधर जो नाम माता की। रूपी भाई इस ऐसे स्वरूप में कभी नहीं देखा अभी, जब तक आए एकदम निर्मली बहती रही है मैया, बट अभी तुम देख पा रहे हो ना बहुत विकराल स्वरूप है। चलो बज गया होगा कम से कम 7:30 या 8 समथिंग लगभग लगभग। हाँ 8 ही बज गए। छोले कुलचे और नर्मदा नदी, नर्मदा मैया के दर्शन, ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली मैन बर्मा पलंटार। ये मेरी दूसरी चाय है, पर ये बर्मा भैया को पैसे से तो मुंह चल गया। दूसरी चाय बरसात के मौसम में चाय तो एक नंबर है भाई। पराठे ऐड कर डिनर में, पराठे खाते हो बटे बाप? नहीं भाई नहीं, पराठे ऐड कर तो मजा आ जाएगा भाई। अरे भाई अरे भाई मेरी बात बना।